सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आईएफआई किचन में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो रेसिपी लेके आया हूँ वो कॉम्बो रेसिपी है, चिकन फ्राइड राइस और साथ में चिकन कौशा, जो हम लोग चिकन कड़ी बोलते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो फ्राइड राइस का इंग्रेडिएंट्स है। नॉर्मल एकदम फ्राइड राइस बनाएंगे, चिकन फ्राइड राइस, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो सबसे पहले इधर वेजिटेबल ले लिया हो तो वेजिटेबल में देखिए कैबेज है, इधर कैप्सिकम है, इधर बीन्स है और इधर स्प्रिंग ऑनियन है। और साथ में मीडियम स्पाइसेस में लिया है इधर ब्लैक पेपर और इधर अदरक लहसुन और मिर्ची को अच्छे से एकदम छोटा चॉपिंग करके लिया है, अच्छे से चॉपिंग करके लिया है। और इधर सोया सॉस और इधर कच्चा चिकन। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि चिकन कशा, चिकन कड़ी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए चिकन का जो इंग्रेडिएंट्स है, चिकन कड़ी का जो इंग्रेडिएंट्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो रेसिपी है, जो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, वो स्टील पट्टे में पूरा बांटा गया है, मतलब पिसा गया है। मेरा हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मम्मी से मैं पिसवा के लिया हूँ। तो क्या क्या पिसवा के लिया हूँ, क्या क्या मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स लिया हूँ चिकन के लिए, तो चलिए मैं फटफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर चिकन लिया हूँ 1/2 kg, इधर आलू लिया हूँ, इधर टमाटो लिया है, इधर जो है इसमें एक गरम मसाला है। गरम मसाला में मैं क्या क्या लिया हूँ, गरम मसाले में दालचीनी, लौंग, इलायची और मिर्ची। और इधर कांदा चॉपिंग करके लिया हूँ, इधर जो है इधर मिर्ची पीस के लिया है, इधर अदरक पीस के लिया है, इधर लहसुन पीस के लिया है और इधर कांदा पीस के लिया है। तो हर एक चीज़ अलग अलग पीस के लिया है, क्योंकि सबको अलग अलग फ्राई करके हम लोग उसको एक अच्छा रेसिपी देंगे। अगर इस सबको एक साथ मिक्स करके हम लोग बनाएंगे तो उसमें अच्छा डिश नहीं मिल पाता है, एक अच्छा फ्लेवर नहीं मिल पाता है। और दूसरा है, मैं इधर साबुत मसाले में मैं क्या लिया हूँ, साबुत मसाले में जीरा, लौंग, थोड़ा दालचीनी, काली मिरी और तेज पत्ता। और साथ में जो पाउडर मसाला है, पाउडर मसाले में देखिए, पाउडर मसाले में जो नॉर्मल यूज़ होता है, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और ये सब लिया है। चलिए अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी प्रिपरेशन सब कुछ रेडी कर दिया, आपको दिखाया हूँ। तो अभी सबसे पहले फ्राइड राइस को रेडी किया जाए। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल दे देता हूँ, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म कर चुका हूँ मैं गैस ऑन करके। तो अभी कढ़ाई में तेल दे देता हूँ, अभी थोड़ा तेल को स्प्रेड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। तो अभी सबसे पहले जो है चिकन को फ्राई करेंगे। ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो आप भी बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन बॉईल करके सब फ्राई करते हैं, मैं कच्चा चिकन को फ्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। तो तेल में मैं चिकन दे दिया हूँ, तो अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। फ्राइड राइस में मैं सोचा चिकन को अच्छे से बॉईल ना करके इसको अच्छे से फ्राई करें, तो खाने में भी मज़ा आएगा और टेस्टी भी लगेगा। तो इसके लिए मैं चिकन को बॉईल नहीं किया, ऐसे ही इसको फ्राई कर रहा हूँ। तो जब तक ये फ्राई नहीं होता तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, चिकन फ्राई हो चुका है, गोल्डनिश हो गया चिकन, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए तो अभी इसमें कांदा लहसुन दे देंगे, ये देखिए चॉपिंग कांदा लहसुन इसमें दे देता हूँ। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, तो वेजिटेबल में सब साथ में दे दे रहा हूँ। स्प्रिंग ऑनियन बाद में दूंगा मैं, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए, वेजिटेबल और चिकन सब अच्छे से पक चुका है। तो अभी इसमें जो मसाला है, जो सॉस है, वो दे देंगे। पहले सोया सॉस दे देंगे, फिर नमक दे देंगे, फिर ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर दिया हूँ मैं। तो अभी इसमें चावल ऐड करेंगे, तो ये देखिए चावल दे दे रहा हूँ मैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा फ्राई करेंगे फुल फ्लेम में, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए दोस्तों, राइस रेडी हो गया। अभी इसमें स्प्रिंग ऑनियन दे देंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, राइस रेडी हो गया। अभी बनाते हैं चिकन। तो दोस्तों अभी चिकन रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेता हूँ। अब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए, फिर उसमें तेल ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें तेल डालेंगे। तेल में दोस्तों सरसों का ले रहा हूँ, तो सरसों का तेल सबसे अच्छा है चिकन और नॉन वेज के लिए। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया। अभी दोस्तों क्या है कि सरसों का तेल है, तो थोड़ा सा 2 मिनट तक ऐसे इसको गर्म करके हीट करना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा जो उसका स्मेल आता है वो स्मेल आता है। तो सरसों का जो तेल है उसको थोड़ा अच्छे से गर्म कर लेंगे, तो उसमें जो अलग स्मेल आता है ना वो नहीं आएगा और एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो मैं तेल को अच्छे से गर्म कर चुका हूँ। तो अभी इसमें पहले क्या स्टेप करूँगा, जो पहले आलू है उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आलू अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो उसमें मैं नमक ऐड कर देता हूँ, तो जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, रेडिश हो चुका है। तो अभी इसको साइड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आलू साइड कर लिया हूँ। अभी जो साबुत मसाला है ये इसके अंदर दे देंगे, फ्राई कर लेंगे, और साथ में कांदा दे देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें चिकन दे देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको लो फ्लेम में हल्का हल्का करके फ्राई करेंगे, जब तक चिकन पानी ना छोड़े। तो दोस्तों इसको ऐसे फ्राई करेंगे ना, तो एक अलग ही फ्लेवर आता है, चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। क्योंकि मैं पहले मसाला क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे को चिकन अच्छे से पहले फ्राई करना है। तो कांदा और साबुत मसाला और तेज़पत्ता मिर्ची में आप चिकन को फ्राई करेंगे, तो एक अलग ही फ्लेवर मिलता है और एक अलग हटके टेस्ट भी आता है। तो ट्राई कीजिए आप, जितना चिकन को फ्राई कर सकते कांदा और इसमें, तो अच्छा फ्लेवर भी आता है और अच्छा मज़ा भी लगता है खाने में। तो जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होता तब तक इसको फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो हरा मसाला पीस के रखे वो देंगे। तो दोस्तों देखिए, चिकन कैसे पानी छोड़ रहे हैं, ये देखिए नीचे सबको दिख रहा है। तो समझिए कि चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो अगर ऐसा जो चिकन पानी छोड़ रहे हैं ना, तो ये पानी में अगर आप फ्राई करेंगे ना चिकन को और अच्छे से फ्राई करेंगे ना, तो एक अलग ही टेस्ट मिलता है, अलग अलग ही फ्लेवर मिलता है। तो उसमें कैसे मज़ा भी आता है खाने में और टेस्टी भी होता है, और एक अलग ही जो फ्लेवर मिलता है चिकन का वो अपने को मिल जाता है। और दूसरा कैसा है कि अब हम लोग जब कभी कैसे चिकन बनाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी चिकन में मैरिनेट करके रख देते हैं, मैरिनेट करके सब कुछ करके फिर बाद में जब फ्राई करते हैं ना, उसका एक अलग टेस्ट होता है और इसका एक अलग टेस्ट होता है। तो देखिए चिकन का कैसा पानी छोड़ रहा है, तेल में मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे चिकन भी फ्राई हो रहा है वो पानी में। तो देखिए इसमें अलग ही फ्लेवर भी मिलता है, अलग टेस्ट भी एक अच्छा आता है और हटके टेस्ट आता है एकदम। तो और थोड़ा मैं फ्राई कर लूँगा इसको कि और थोड़ा फ्राई हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से फ्राई हो चुका है चिकन। तो अब इसमें एक एक करके जो पिसा हुआ मसाला है वो दे देंगे। तो सबसे पहले लहसुन देंगे। लहसुन देके इसको अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और दोस्तों कैसे सिलपट्टे में अगर आप मसाला पीस के अगर कोई चिकन है कोई वेजिटेबल बनाते, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है और एकदम प्योर टेस्ट आता है। तो उसमें ट्राई कीजिए कि आप कभी कभार कैसे गेस्ट आते हैं घर पे, तो सिलपट्टा अगर आपके घर पे रहेंगे तो सिलपट्टे में मसाला पीस के कुकिंग कीजिए, तो इसमें अलग ही फ्लेवर होता है। देखिए दोस्तों, लहसुन अच्छे से मिक्स कर दिया हूँ। अभी इसमें अदरक दे देंगे। अदरक को भी सेम थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि फ्लेवर मिक्स हो जाए उसमें। दोस्तों इसमें कैसे अलग अलग आप मसाला देंगे ना, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, तो एक अलग अलग मसाले का हर एक मसाले का एक अलग अलग फ्लेवर धीरे धीरे उसमें चिकन में ऐड होते जाता है। और आप एक साथ मसाला पीसेंगे ना, तो उसमें कैसे एकदम मिक्स हो जाता है पूरा। तो इसके लिए आप ट्राई करिए सब मसाला अलग अलग पीसने के लिए, भले आप मिक्सी में पीस रहे हैं या सिलपट्टा पर पीस रहे हैं। तो इसको 2 मिनट तक थोड़ा पकाएंगे अदरक लहसुन में, फिर इसके बाद जो कांदा पीस के रखा था वो दे देंगे इसके। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से फ्राई हो चुका है अदरक और लहसुन। तो अब इसमें कांदा का जो पेस्ट है वो दे देंगे। ये देखिए कांदा का पेस्ट दे दे रहा हूँ मैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए,
अच्छे से कांदा भी जो पीस के दिया था वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा स्पाइसेस बना रहा हूँ, इसके लिए मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं कितना ज़्यादा और कितना कम खाते आप मिर्ची। तो हम लोग थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं इसके लिए हम लोग थोड़ा मिर्ची ज़्यादा देते हैं, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब इसमें नमक ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि नमक आप पहले भी दिया है फ्राई करने के टाइम, तो वो भी ध्यान दीजिए। अभी इसमें मैं हल्दी दे देता हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए मिक्स कर दिया हूँ, अभी इसमें टमाटो ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ मैं। तो देखिए कितना मसालेदार हो चुका है अच्छे से। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ इसमें। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों देखिए चिकन में पानी जो डाला था वो पूरा सूख गया और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। तो अभी इस स्टेज में क्या करेंगे, इस स्टेज में इसको और अच्छे से गर्म आँच में पूरा पका के पूरा मसाले को सुखा लेंगे। देखिए टमाटो भी पूरा बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं जो आलू फ्राई किया तो आलू दे देंगे। आलू में दोस्तों पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि आलू पूरा पिघल जाता था, इसके लिए मैं आलू पहले नहीं दिया, एंड में दिया। चिकन कोशा ऑलमोस्ट रेडी होने को आया। तो अभी इसमें देखिए दोस्तों हर एक मसाला पूरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, हर एक मसाला सूख भी गया है। तो गरम मसाला जो पीस के रखा था, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिरी, तो इसमें दे देंगे। ये लास्ट में देंगे दोस्तों, क्योंकि ये टेस्ट के लिए अगर पहले दे देंगे तो एक करवाने से आता है। तो गरम मसाला हमेशा एंड में देना चाहिए कौन से भी भाजी में या कौन से भी फ्लेवर में हम लोग देते, तो क्योंकि गरम मसाला एक अच्छा स्मेल देता है और एक अच्छा डिश को निखारता है। तो देखिए दोस्तों अभी पूरा चिकन कोशा जो है हम लोग का रेडी है, चिकन ग्रेवी या चिकन सुक्का जो बोलते हैं आप, वो पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी देखिए इसमें जो बचा हुआ पेस्ट था, अभी इसमें थोड़ा सा पानी देके इसमें दे देंगे। तो देखिए दोस्तों इतना सा पानी मैं दे देता हूँ फिर से। अब इसको हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों चिकन कोशा चिकन ग्रेवी रेडी है पूरा करी। तो अब इसमें धनिया दे देता हूँ। अब इसको प्लेटिंग कर लेता हूँ मैं। हो गया अपना चिकन कोशा या आप जो चिकन करी बोलते हो या चिकन सुक्का, तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसको प्लेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखा आपने डिश जो कॉम्बो रेसिपी में आपको दिखाया आज, चिकन फ्राइड राइस और साथ में चिकन करी और चिकन कोशा। हम लोग बेसिकली चिकन कोशा बोलते हैं, बाकी हिंदी में उसको चिकन करी या चिकन सुक्का बोलते हैं। तो मुझे चिकन का कुछ आइटम बनाने का था और साथ में मुझे फ्राइड राइस भी खाना था, तो सोचा कुछ कॉम्बिनेशन बनाया जाए, कुछ कॉम्बिनेशन दिखाया जाए आप लोग को कि कैसा कॉम्बिनेशन करके हम लोग एक अच्छा डिश बना सकते जो खाने में भी मज़ा आएगा। तो ये रेसिपी कैसा है देखा आपने कि चिकन का जो चिकन को कैसे मैं फ्राई करके उसको राइस बनाया। नॉर्मल डेज में कैसा रहता है कि चिकन ऑलरेडी बॉयल करके फिर उसको एंड में देते हैं, बट आप ऐसा ट्राई करेंगे ना कि चिकन को फ्राई करके फिर उसके अंदर कांदा अदरक लहसुन सब कुछ मिक्स करके उसको फ्राई करके फिर राइस डालेंगे, तो इसको एक अलग फ्लेवर आता है और जो तेल में जो फ्लेवर छोड़ता है ना चिकन, वो पूरा राइस में आ जाता है। तो ऐसा ही जो डिश है वो खाने में भी अच्छा लगता है और दिखता भी अच्छा है और टेस्टी भी बहुत होता है। और दूसरा जो चिकन कोशा चिकन करी जो बना है उसमें देखा आपने स्पाइसेस कैसे में दिया, और उसमें स्पाइसेस कैसा है कि अलग अलग टाइप से अगर उसमें आप डालेंगे तो उसमें कैसे अलग अलग फ्लेवर धीरे धीरे चिकन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जैसे कांदा लहसुन अदरक मिर्ची ये सब अलग अलग डालेंगे तो उसमें कैसे अलग अलग फ्लेवर धीरे 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 उसमें जाता है। और दूसरा कैसे एक साथ अगर फ्राई एक साथ अगर मिक्स करके उसके अंदर डालेंगे तो ऑलमोस्ट एक साथ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पर उसमें उतना टेस्ट नहीं आता है। मसाला हम लोग कूट के देते हैं या पीस के देते हैं, उसका एक अलग अलग फ्लेवर आता है। तो और दूसरी बात इसमें देखा मैं जो भी मसाला है सब में सिलपट्टा में मेरे मम्मी ने मेरे को पीस के दिया, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा तकलीफ हो गया। देखिए मेरे हाथ पे थोड़ा चमड़ा कट गया है, कुछ पका रहा था मैं तो उसमें थोड़ा तेल लग गया, तो इसके लिए
चमड़ा कट गया, तो इसके लिए मैं उसको तीखा कुछ टच नहीं कर पा रहा था, और सिलपट्टे में कैसे पूरा हाथ में मिक्स हो जाता है, तो इसके लिए मम्मी ने मुझे पीस के दिया। तो देखिए कैसा पूरा टोटल दोनों कॉम्बिनेशन कैसा अच्छा हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए नीचे कि कैसा लगा, कैसा टेस्ट है, कैसा क्या है। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए, दोनों रेसिपी ट्राई कीजिए, एक एक करके आप रेसिपी ट्राई कीजिए, तो उसमें अच्छा लगेगा कि आप भी खाएंगे और आपके फैमिली मेम्बर को भी खिलाएंगे और गेस्ट को भी खिलाएंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन। तो चलिए अभी जो चिकन और जो कौसा जो फ्राइड राइस मैंने बनाया वो टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कौन सा कैसा टेस्ट है। तो देखिए मैं प्लेट में ले लिया हूँ प्लेटर से, तो देखिए कितना अच्छा ग्लोसी दिख रहा है, देखिए चिकन भी कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए, और साथ में जूसी भी है और एकदम मसालेदार भी है। तो चलिए पहले मैं राइस खा के आपको दिखाता हूँ। तो राइस में एकदम अच्छा टेस्ट आ रहा है, एकदम अच्छा फ्लेवर आ रहा है, भले इसमें ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा सॉस नहीं है, तो भी एकदम बहुत अच्छा आ रहा है, और चिकन जैसा फ्लेवर आ रहा है, चिकन के तेल में जैसा फ्लेवर, ऐसा लग रहा है कि चिकन के तेल में से कुछ राइस फ्राई करके निकाला। तो ऑल ओवर एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी भी बना है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अभी मैं चिकन कौसा चिकन करी जो है वो खा के देखता हूँ कैसा बना है, उसका भी टेस्ट आपको बताता हूँ। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि इसमें हर एक मसाला का एक अलग टेस्ट आ रहा है, हर एक मसाले का फ्लेवर मिल रहा है, और एकदम जूसी भी हो गया और एकदम पूरा भुना हुआ चिकन का जैसा फ्लेवर आ रहा है, और सब मसाले का टेस्ट भी अच्छा रहा है, थोड़ा स्पाइसी भी हो गया, पूरा मसालेदार भी हो गया, और सब गरम मसाला सब स्पाइसेस का एकदम बहुत तरीके से अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिए, मैं उम्मीद रखूँगा कि आप भी घर पर ट्राई कीजिए अपना ये चिकन कौसा और फ्राइड राइस, और आप बना के अपने फैमिली मेंबर को खिलाइए और अपने गेस्ट को खिलाइए, तो उन लोग भी आपको तारीफ करेंगे, उन लोग भी आपको अच्छे से अच्छा बोलेंगे कि ये डिश कहाँ से आया, कौन बनाया, किधर से आया, बाहर से लेके आया, क्या एकदम होटल जैसा फ्लेवर लग रहा है, होटल जैसा डिश लग रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ कुकिंग लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ, और जो जल्दी बन जाए, जो यूनिक बन जाए, तो थोड़ा अच्छा लगे और जल्दी बन के खा सके हम लोग, और सब हम लोग को तारीफ करे कि को किधर से आया, क्या बनाया, कौन बनाया, किधर से लेके आया, ये सब चीज़ हम लोग को बोलें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये रेसिपी आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलता हूँ कोई नया रेसिपी के साथ, कोई यूनिक रेसिपी के साथ, कोई हटके रेसिपी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।